नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राय 24। जैसा कि आपको विदित है, दो राज्यों में राजस्थान और हरियाणा में आतंक का पर्याय बन चुका विक्रांत यादव उर्फ लाला यादव, जिसको विक्की ढोर के नाम से यहाँ के अपराधिक क्षेत्र में जाना जाता था, जिसके ऊपर 30,000 का इनाम है, 20,000 का राजस्थान सरकार की तरफ से और 10,000 का हरियाणा सरकार की तरफ से। इसको कल दिल्ली से बहरोड पुलिस की टीम ने पकड़ लिए, इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले विक्रम लादेन को पकड़ा था, जो भी यहाँ पे कई आपराधिक आतंकी गतिविधियाँ कारित कर चुका था। उसको संरक्षण देने वाला, उसको मेंटली और फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला ये शख्स है, उससे श्रेणी में ऊपर है हर तरह से। आपराधिक एक्सपीरियंस कह लें और टेक्निक के इस्तेमाल को कह लें, पुलिस को गच्चा देने के तरीके से कह लें, तो ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसको पकड़ने में हमें खुशी है कि बहरोड पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। ये बहरोड विधायक चुनाव प्रत्याशी जसराम हत्याकांड का सहअभियुक्त है। इसके अलावा इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं, जिसमें से 4 हरियाणा में चार्जशीट हो चुके हैं और बाकी 4 जो हैं राजस्थान में, 3 बहरोड और 1 नीमराणा में चल रहे हैं। विक्की ढोर ये जो अपराधी है, ये धनाढ्य लोगों को व्हाट्सएप कॉलिंग करता था, उनको धमकियां देता था, उगाही करता था और उगाही में कैश या फिर उनसे ट्रक वगैरह या दूसरे चीज़ें, जनरली ये ट्रांसपोर्टर्स को अपना निशाना बनाता था, अपने नाम करवाता था। गोकुलपुरा फायरिंग में भी इसका ये सहअभियुक्त है, उस वाली घटना में भी। और ये अभी पीछे भी इसने कुछ यहाँ पे बड़े व्यवसायियों को, ट्रांसपोर्टर्स को 1 करोड़ तक की फिरौती दी है। इस जैसा कि इनकी पूरी तमाम गैंग में पहले भी हमने आपसे बताया कि नए लड़कों को इस्तेमाल करते थे, चाहे वो नारनौल के, महेंद्रगढ़ के, अटेली के, गोठड़ी के, पहाड़ी के, बहरोड के, इमराणा के, यहाँ के क्षेत्रों को नव ऊर्जा वाले लड़कों को, जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि इतनी नहीं होती थी, उनको यूज़ एंड थ्रो करने की इनकी प्रवृत्ति थी। और लादेन की तरह ही ये सिखाता था और लादेन उस तरह से उनको इस्तेमाल करता था। ये भी अपने लड़के, जैसे गोकुलपुरा फायरिंग में आपसे बात हुई थी पहले भी, इसने अपने लड़के हरियाणा से और गुड़गांव से भेजे थे उस समय भी, जिनको हमने कुछ उसमें से पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गिरफ्तारी की जो अभी हमें सफलता हासिल हुई है, इसमें सिद्धांत शर्मा जी, एडिशनल SP नीमराना, अतुल साहू, डिप्टी SP बहरोड, जितेंद्र सोलंकी CI बहरोड, इनके साथ साथ महेंद्र कांस्टेबल, अवनेश कांस्टेबल, दयाराम कांस्टेबल, श्यामलाल कांस्टेबल, सत्यपाल कांस्टेबल, उमेद कांस्टेबल, बलदेव, राकेश, नीरज, सतीश और संदीप कांस्टेबल की महती भूमिका रही है। कल जो टीम वहाँ पे थी, उनमें से और जो इस पूरे प्रकरण में विशेष योगदान रखती है, उसमें हम उनको प्रोत्साहन और आगे की रिवार्ड के लिए मुख्यालय में लिखा जाएगा। तो ये इसका एक सर, बहरोड में अब तक किन किन व्यापारियों से इन्होंने मंथ ली गई, कुछ बताओ? ये हम उनकी निजता को ध्यान में रखते हुए ओपन नहीं करेंगे, पर हमारे प्रकरण के अनुसंधान का विषय रहेगा। और उनसे अगर उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं तो उन मुकदमों में, और नहीं कराए हैं तो उनसे फ्रेश मुकदमे लेकर कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से मंथली का जो दौर है, उसमें पुलिस किस तरह से आश्वस्त करेगी व्यापारियों को, क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा आश्वासन यही है कि हम जो परेशान कर रहे थे उनको सलाखों के पीछे कर दिया है, और ये हम आपके मार्फत ये उनको विश्वास भी दिलाना चाहते हैं। CLG मीटिंग में भी मैंने कहा
हर तरीके से जनप्रतिनिधि के मार्फत चाहे वो आएँ चाहे हमारे पुलिस अधिकारियों के मार्फत आएँ, पर वो सूचना हमें अवश्य दें। ऐसा कोई अगर बदमाश उनको तंग कर रहा है तो उसकी सूचना अवश्य हमें हमारे पास जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। इस घटनाक्रम में भी हमने पहले से सुधार देखा है। भैरोड़ का व्यापारी हो चाहे वो आम जनता हो, वो अब इतनी हतोत्साहित नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस आया है पुलिस की कार्यशैली को देख के, और हमें चाहेंगे इस चीज़ को एक दूसरे का प्रोत्साहन किया जाए। सर, कुछ पुलिस मित्र है जो पुलिस की मदद करने के बजाय खुद गलत काम करते हैं, आप उनकी अलग से मेरे से आप उनको नाम और पता बता दीजिएगा, हम उनके वेरिफिकेशन करा लेंगे। अगर वो ऐसे वो होंगे तो अभी तक तो इतने भैरोड़ क्षेत्र में बने नहीं, पर अगर वो आना चाह रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन करा लेंगे। सर, इस टीम गैलेंट्री वार्ड के लिए भी हम लेकिन वो अलग से प्रक्रिया चलेगी, जो विशेष योगदान वाले जो मैंने नाम बताए